इब्ने उमर से रिवायत है, हज्जतुल विदा के मौके पर मीना में मुस्तफ़ा जान रहमत जलवा अफरोज़ थे। हज का ज़माना था और आप लोगों के मसले मसाइल के जवाब दरियाफ्त फरमा रहे थे। आपके पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने क़ुरबानी यानी ज़िबह से पहले भूले से सर मुंडवा लिया, यानी हलक करवा लिया, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सलातो सलाम ने फरमाया, अब ज़िबह कर ले, कोई हर्ज नहीं। फिर दूसरा शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, बेखबरी में मैंने रमी करने से पहले यानी शैतान को कंकरी मारने से पहले क़ुरबानी कर ली। आप सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, अब रमी कर ले, अब शैतान को कंकरी मार ले, कोई हर्ज नहीं। अगली हदीस मुबारक, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहब ने, उनसे हश्याम ने सैयदुत निसा फातमत ज़हरा के वास्ते से नक़ल किया। वो असमा से रिवायत करती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गई। उन्होंने मुझसे कहा कि फरमाने मुस्तफ़ा है कि हर इंसान को कब्र में मेरे वास्ते से आजमाया जाएगा, हर इंसान को मेरा दीदार करवाया जाएगा और पूछा जाएगा, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? जो शख्स साहिब ईमान होगा वो कह उठेगा, ये अल्लाह के रसूल हैं और मैं इनका उम्मती हूँ और इनका कलमा पढ़ता हूँ और इन पर ईमान लाया। जो ये जवाब देगा उसे दोज़ख़ दिखाया जाएगा और कहा जाएगा, तेरा ठिकाना असल में ये था, मगर तू सच्चा ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, आशिक रसूल है, तुझे अल्लाह के कर्म से तेरी तौहीद के साथ तेरे अकीदे ने भी बचा लिया, अब तो जन्नती है, और उसे उसके दर्जे के मुताबिक जन्नत दिखा कर फरिश्ते कहेंगे आराम से सो जा। तो दोस्तों, इतना सटीक जवाब कब्र में तो सिर्फ़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ही दे पाएगा जो दुनिया में आका सलातो सलाम पर कसरत से दुरूद व सलाम पेश करता हो और अपने वालिद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी अदा करता हो कि जब आका सलातो सलाम का नाम आता हो तो लबों से उंगलियों के नाखूनों को चूम कर अपनी आँखों पर मलता हो। और जो शख्स आप पर दुरूद पेश करने से गुरेज करता हो, जिसके मुंह में ज़बान में ऐठन आती हो, वो शख्स तो गया फिर। तो दोस्तों, ये हैगा हमारे आका सलातो सलाम का करम, आपका दीदार भी करवाया जाएगा और नाम भी बताया जाएगा। वैसे बुजुर्गान दीन और उलमाए दीन ने कब्र के मरहले से तीन सवाल बताए हैं। पहला सवाल होगा मन रब्बों का, यानी हमसे हमारा रब पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? तो अहले किताब अल्लाह के उठेंगे। फिर उससे पूछा जाएगा, अब अल्लाह तो बता दिया, आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो? तो उससे पूछा जाएगा माँ दीनों का, तो वो अपना दीन बता देगा, यहूदी यहूदियों का दीन बता देंगे, नसारा नसारा के दीन बता देंगे, हम इस मुसलमान हैं इस्लाम बता देंगे, हमारा दीन दीन इस्लाम है। अब वो सवाल पूछा जाएगा आका सलातो सलाम के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे लिए ख़ास रियायत है हमारे आका की, जिनका ग़ुलामी का पट्टा हम अपने गले में रखते हैं। हम दुनिया में उन पर कसरत से दुरूद भेजते थे, तो हमें सिर्फ याद दहानी के लिए, क्योंकि कब्र का मरहला बड़ा ख़तरनाक होगा, इंसान अपने होश हवास खो चुका होगा, इसलिए हमारी याद दहानी के लिए हमें सुकून मिल जाए आपका दीदार करके और हमें फौरन याद आ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम लोगों की आसाइश के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाया जाए, ये अल्लाह का एक और करम है हम लोगों पर, वरना क्या हालत होगी कब्र में आप अंदाज़ लगा सकते हैं। यहाँ पर एक हदीस मुबारक और आपको बताता चलूँ, आज जुमा है और ये हदीस मुबारक आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल शनिचर को आपको पेश होगी। तो जुमे के दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमुदात है कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, कम से कम 80 बार। जुमे मुबारक पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 80 मरतबा दुरूद भेजना फ़र्ज़ है। आपका फरमान हैगा बुखारी शरीफ में आई ये हदीस की, तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है, तुम्हारे नाम, तुम्हारे वालिद के नाम, तुम्हारे शहर, तुम्हारी सकूनत, तुम्हारे मुल्क समेत, कहाँ से ये दुरूद आया? तो दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना हर वक्त पेश करते रहना चाहिए, और खुसूसन जुमे के दिन तो 80 मरतबा भेजना हमारा फ़र्ज़ ऐन है, और कब्र में यही चीज़ हमारी हिफाजत कर पाएगी। तो हदीस मुबारक आपको कैसी लगी? मिलते हैं कल एक और नई हदीस के साथ, मुलाकात होगी आपसे। मौजूद बहनों और भाइयों,
ये वीडियो अब यहीं अपने अख्तिताम पर पहुंचती है। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए और इल्म दीन घर घर पहुंचाते रहिए। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी जायज़ मकासद और तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।